न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा में निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त प्रेक्षक आरआर गंगारेकर की उपस्थिति में नगरीय निकाय के मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर पंकज राव गोरखेड़े ने ईवीएम के संचालन की विस्तार से जानकारी दी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े और उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी प्रशिक्षण में शामिल हुए। आइए आपको सुनाते हैं कि आयोजित प्रशिक्षण के संबंध में एसडीएम ने क्या कहा है। नगर निगम इलेक्शन 2022 जो महापौर और पार्षद पद के लिए होना है, इसमें मशीनों को तैयार करने का काम चल रहा है। इसमें जो हमारी ईवीएम है, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट CUBU, इसको तैयार करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके दौरान हमने सभी अभ्यर्थियों को, प्रत्याशियों को सूचित किया है कि आके इस प्रक्रिया को समझ लें, देख लें। कमिश्निंग के दौरान सारी जो हमारे 45 वार्ड हैं उनकी मशीनों को तैयार किया जाएगा और 13 तारीख को होने वाले जो मतदान हैं उनके लिए ये मशीनें रेडी होके स्ट्रांग रूम में रख दी जाएंगी। अभी तक कितनी तैयारी की गई है? अभी हमने ये जो कमिश्निंग में जिन लोगों को ड्यूटी लगाई है उनकी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और ट्रेनिंग होने के बाद एक एक मशीन उठाकर इनकी कमिश्निंग की जाएगी। प्रेक्षक महोदय भी आए? हाँ जी, प्रेक्षक महोदय जो कि माननीय आयोग की तरफ से यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर है। वो भी सारी प्रक्रिया को देख के अवलोकन कर रहे हैं।